हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलन मेहता, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इनक्रेडिबल इंडिया चैनल में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आज हम देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपको अंदर जाना है और यहां से आपको टिकट ख़रीदनी है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाई है तो आप यहां से ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं और वो काउंटर है जहाँ से हमें टिकट ख़रीदनी है। और फिर हम जाएंगे बस में। ये सारी बस से आपको फ्री, आपको कहीं पे भी ले जा सकती हैं, कहीं पे भी ले जाएंगी बिल्कुल बिना पैसों से। तो आप इसमें सफ़र कर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं, जंगल सफारी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ग्लो गार्डन। और देखिए खूबसूरत नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो आइए स्टैचू ऑफ यूनिटी को हम देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेन सेंटर के पास। यहाँ से आपको हर जगह जाने की बसेस मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो आपको कहीं पे भी ले जाएंगी, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और सामने आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो कहीं भी है तो ये है। और इसको देखने के लिए आपको आना ही है। और यहाँ से आपको लेज़र शो भी देख सकते हैं रात में, अगर आपने लेज़र शो की टिकट बुक नहीं करवाई है तो। ये ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको टिकट बुक करवानी है। यहाँ से हमें बहुत सारी बसेस मिलेगी। अब हम चले हैं जंगल सफारी। हमारा पहला पॉइंट है जंगल सफारी के लिए, तो हम निकले हैं जंगल सफारी के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो सबसे मोस्ट फेमस सेकंड पॉइंट है वो है जंगल सफारी। यहाँ पे एनिमल इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं ताकि आप उसको बिल्कुल क्लियरली विजिबल देख सकें। और यहाँ पे जो बर्ड केजेस है वो बहुत ही खूबसूरत है। पूरे अलग अलग देशों से लाए गए पक्षियों को वहाँ पे रखा गया है और वो आपसे डरते भी नहीं हैं, बिल्कुल पास में आपके बैठे हुए होते हैं और आपको अच्छे फोटोग्राफ्स, अच्छे पोज देते हैं। तो बिल्कुल इसका मज़ा लीजिए और जंगल सफारी में जाइए और उनका लुत्फ उठाइए। तो आइए मैं आपको अलग अलग जानवरों से मिलाता हूँ और चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। यहाँ पे कुछ आप बड़े बर्ड्स देख सकते हैं, शाहमृग, कीवी भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है यहाँ पे, बहुत पास से आप इसको देख सकते हैं। तो ये है शाहमृग और बहुत सारे हैं आसपास में भी वहाँ पे रखे हुए हैं। अगर मैंने कहीं जिराफ देखा हो इंडिया में तो ये मेरा पहला पॉइंट है जहाँ पे मैंने पहली बार जिराफ को देखा हुआ है। तो अगर आपने भी कहीं जिराफ नहीं देखे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यह है विल्ड बीस्ट, अफ्रीकन जंगली भैंसे। जब वो रिवर क्रॉस करते हैं तब लाखों की तादाद में, तब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप यहाँ पे शाहमृग भी देख सकते हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे रखा हुआ है। ताकि सबके लिए तो ये चिंपांजी पिंजरा है, लेकिन हमें चिंपांजी अभी तक दिखा नहीं। और अमेरिकन पॉटी
जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बर्ड देखिए, ये एक पैरट बर्ड है, और आप देखिएगा कैमरे के पास वो कैसे आ रहा है, कैसे वो अपना एकदम अदा दिखा रहा है। देखिए अभी देखिएगा, वो अभी अपने खूबसूरत अंदाज दिखाएगा। तो देखिए, तो ऐसे ऐसे खूबसूरत बर्ड्स है वहाँ पे, और उसको देखने के लिए आपको जंगल सफारी तो जाना ही पड़ेगा। बहुत ही छुटकू वाले कलर कलर के आपको हर जगह दिखेंगे वो। जब भी कभी आप जू में जाते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहले तो उनको, जो अंदर एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनको परेशान नहीं करना है। वो ऑलरेडी परेशान होते हैं पिंजरे में रहकर, और उसमें भी आप उसको परेशान करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। और कोई भी जानवर को अपना खाना नहीं देना है। हम जो खाना लेके आते हैं वो उनको नहीं खिलाना है। ये कहीं पर भी सूचना आपको दिखेंगी, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको खाना दे देते हैं। कितने टाइम से वो वहाँ पे होगी तो आप देख सकते हैं उसका चेहरा कितना उदास है। तो प्लीज़ जानवरों को परेशान मत कीजिए, वो खुद परेशान होते हैं पिंजरे में रहकर। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट लोकेशन है शेरों को देखने के लिए जंगल सफारी में। और आप देख सकते हैं शेर के चार पांच बच्चे खेल रहे हैं अपने आप में, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको देख सकते हैं। बीच में कांच रखा हुआ है, तो कोई पिंजरा या ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जाली नहीं है जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो। और वहाँ पे आप देख सकते हैं शेरनी बैठी हुई है, जो अपने बच्चों पर नज़र रखते हुए है और उसका ध्यान रखते हुए वहाँ पर बैठी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था मेरी लाइफ का। तो आप भी उसको देखने जरूर यहाँ पे आए। तो ये जो विभाग है वो आपको इलेक्ट्रिक गो कार्ट जैसी व्हीकल आते हैं उसमें आपको बैठना है और वहाँ से आपको देखना है। तो हमारा पहला जो जानवर है, जो एनिमल था, वो आप देख सकते हैं राइनो, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पास से आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम उसमें। तो ऐसी गाड़ियों में आपको बैठना है और पाथवे पर चलते रहना। ये देख सकते हैं बायसन, बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़े जंगली भैंस आप देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा है ये देखने के लिए। और ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको इंडियन बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो हमारे यहाँ के ही रहते हैं, तो स्थानिक बर्ड्स जिसे बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं पैरट आपको देख रहा है, तो बहुत पास से आप उसको देख सकते हैं। मैं बहुत नज़दीक कैमरा लेके जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल उड़ेगा नहीं और आपको देखता रहेगा, क्योंकि हर दिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो उनकी आदत सी हो गई है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कैसे लाइन में बैठे हुए हैं, और इतना डेवलप, और ये देखिए कितने छोटे छोटे कलरफुल बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जंगल सफारी इंडिया में, अगर आपको
एनिमल्स को बिल्कुल नज़दीक से देखना है तो मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बढ़िया लोकेशन है। देख सकते हैं आप, फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं उन लोगों के साथ, तो आपको बिल्कुल ही वो उड़ेंगे नहीं और पास से आपको अच्छे से आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, तो विज़िट ज़रूर करें, ज़रूर करें। जंगली कुतरा से तो अब हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्रीचर्स जो होते हैं, स्नेक्स, इगुआनास, टर्टल्स, वो सब रखे हुए हैं। इतना कुछ हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, जो क्रीचर्स होते हैं, वो छुप के रहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चाइनीज स्ट्रिप नेक्ड टर्टल हम देख रहे हैं, तो वो हमें दिख गया। लेकिन बहुत सारे स्नेक्स है जो हमें वहाँ पर दिख नहीं पाए। तो बैड लक हो सकता है हमारा कि हम गए और वो कहीं छिपे हुए हों, लेकिन आप ज़रूर वहाँ पे जाएं, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा अजगर हमें लास्ट में देखने को मिला, वो बहुत ही खूब, ये देखिए, ये वो अजगर है जो हमें, और देखिए कितना छुपा हुआ है, अगर ध्यान से ना देखते तो हमें दिखने को ही नहीं मिलता कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल हिले डुले बिना वो वहाँ पर बैठा था और हमें तो दिख गया। तो ऐसे बहुत सारे सांप हैं वहाँ पे जो हमें देखने को नहीं मिले। तो ये पूरी गैलरी है। बंदर है, बंदरों को आप बिल्कुल वहाँ पे खाना मत दीजिए, क्योंकि हमारे से पहले जो एक फैमिली थी उनके पीछे भागे थे। ये सांप देख सकते हैं, हमें नहीं देखा क्योंकि बहुत सारे पेड़ों के बीच में और पत्तों के बीच में वो छिप जाते हैं, तो वो हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन विज़िट ज़रूर करें अगर आपको कुछ देखने को मिला। तो ये दबोइया जो रसल वाइपर हमें नहीं देख सके, हमको देखने को नहीं मिला, तो बैड लक बोल सकते हैं, लेकिन शायद आपको कहीं देखने को मिल जाए। तो देख, हमारे पूर्वज जो ऊपर बैठे हुए हैं, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यहाँ से जंगल सफारी ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे ही जा सकें और ये जंगल सफारी देख सकें। थैंक यू वेरी मच।